सब्सक्राइब कीजिए शेखावत टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों कल रात को एक मैसेज आया था, उसकी वजह से मैं लाइव स्ट्रीम आज भी नहीं कर पाऊंगा, कभी भी 3 महीने तक नहीं कर पाऊंगा। उसी के बारे में बता देता हूँ आपको, क्यों नहीं कर पाऊंगा मैं लाइव स्ट्रीम अब, और ये बोल सकता हूँ क्यों नहीं कर पाऊंगा लाइव स्ट्रीम अब। दोस्तों आगे वीडियो देखते रहे। दोस्तों कल रात को 1:30 बजे मेरे पास एक मेल आया था, मैं जब एकदम अपना यूट्यूब चैनल में वीडियो एडिट कर रहा था उस टाइम एक मेल मेरे पास मेल आया था। मेल आने के बाद उस मेल का मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था आपने कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, मिसलीडिंग या फिर स्पैम वीडियो, आपकी वीडियो है उसमें स्पैम कुछ है, मिसलीडिंग टैग वगैरह है, कमेंट बॉक्स में कुछ टैग डाले हुए हैं। हाँ, ये जो वीडियो मैंने अपलोड की थी आज से 4 महीने पहले उसमें आया था, आपने फ्लैग किया है लोगों ने इस पे, तो मैंने वीडियो देखी एक बार, क्या पता मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो मैं एक बार वीडियो देख ली तो उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। हालांकि उस टाइम रिमूव कर दी मैंने, तो उस टाइम उसमें कुछ वीडियो में था ही नहीं ऐसा कुछ, फिर भी यूट्यूब ने मेरी वीडियो को हटा दिया। अब हटा दिया तो हटा दिया, उसके बाद सजा मिली मेरे को, एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई, मेरे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई। तो अब उसके बाद मेरे को 3 महीने की सजा मिली है कि आप अब 3 महीने तक लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। तो लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते भी, हालांकि मैंने अपील तो की है गूगल को कि आप, लेकिन आज तक अभी तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया है उसका, कि अपील करने के बाद भी कि आपका लाइव स्ट्रीम आपने इसकी वजह से हुआ है तो आपकी ही गलती है, तो अपील का कोई अगला चांस ही नहीं मिलता। एक बार चांस मिलता है अपील करने का, आप चांस कहां से मिलता है, तो 3 महीने तक मुझे वेट करना पड़ेगा कि 3 महीने तक वेट करो, तो उसके बाद देखते हैं भाई क्या होता है 3 महीने तक नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लाइव वैसे नहीं आ पाएंगे, और उसका एक सोल्यूशन मैंने निकाल लिया सिंपल सा। आप जो आपके क्वेश्चन होंगे मुझे बता दूंगा मैं, कुछ आगे ट्विटर के ऊपर आस्क वगैरह क्या लगाना है वो बता दूंगा मैं आगे, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बाद वहीं से आपके क्वेश्चन उनमें पिक करूंगा और वहीं से आपके आंसर दे दूंगा। जो आप क्वेश्चन पूछने हो तो आप शनिवार को, जैसे संडे आने वाला है तो शनिवार को आप आंसर, शुक्रवार से चालू हो जाना और शनिवार तक आंसर दे देना, उसके बाद मैं शनिवार को वीडियो बना लूंगा और संडे को अपलोड कर दूंगा, तो आपको एकदम आराम से उनके आंसर मिल जाएंगे। अब 3 महीने तक यही तरीका है, और कोई गाइडलाइन स्ट्राइक ना आ जाए मैं ये सोच रहा हूँ, अगर आ गई तो फिर चैनल बंद हो सकता है यार, सोचना बेकार है। दोस्तों आज दोस्तों बता दिया मैंने आपको कि अब इसलिए लाइव स्ट्रीम लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी हालांकि ये वाली, लेकिन वो वीडियो थोड़ी डिलीट हो गई, ग्रीन स्क्रीन की वजह से थोड़ी डिलीट हो गई थी, तो चलो कोई बात नहीं। अब तो आगे देखते हैं, अभी आगे क्या होता है, आज रात को कुछ मैसेज आता है तो मैं आपको कल वीडियो बना के अलग से दिखा दूंगा। बाकी तो आप देख सकते हैं मेरी लाइव स्ट्रीम बंद हो गई है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से करें, वैसे आपको पसंद नहीं आई होगी वैसे, लेकिन लाइक फिर भी कर दें और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। बस आज की वीडियो में इतना ही था, जय हिंद, वंदे मातरम।